गैस, क्या आपको पता है मोबाइल चार्ज होने में एक साल में कितने रुपए का इलेक्ट्रिक बिल आता है? और बारकोड में ये काला रंग का जो लाइन से, इसका मतलब क्या होता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 5, फिंगरप्रिंट सेंसर पहले ज़्यादातर अपराधियों को फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि हर एक दूसरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ किया जाता है। इतना छोटा फिंगरप्रिंट सेंसर भी इतना इंटेलिजेंट होता है कि अगर आप किसी मरे हुए इंसान के फिंगरप्रिंट्स इससे मैच करना चाहोगे तो इसे होने नहीं देंगे, क्योंकि इंसान मरने के बाद पूरा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और अंदर से मर सिकुड़ने लगता है, उनके साथ फिंगरप्रिंट भी सिकुड़ जाता है और इसी को फिंगरप्रिंट अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। फैक्ट नंबर 4, हमारी इंडिया में सुबह से लेकर शाम चाय के साथ बिस्किट तो बनता है। मार्केट में 50 से भी ज़्यादा वैरायटी की बिस्किट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है बिस्किट में छेद क्यों रहता है? दरअसल बिस्किट जब फैक्ट्री में बनता है, बिस्किट को जब पकाया जाता है तब वो अंदर से फट ना जाए, इसी की वजह से ये छेद किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, गाइस आपने तो रेल लाइन के पास में ऐसी तरीके की बॉक्स जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये बॉक्स क्यों लगा रहता है? दरअसल इस तरीके की बॉक्स हर एक दूसरे बॉक्स से कनेक्ट होता है। जब ट्रेन पटरी से गुजरती है तब ट्रेन की एक्सेस को काउंट करके दूसरे बॉक्स में डेटा भेज देता है और ऐसी तरीके से काउंटिंग किया जाता है। अगर मान लो किसी भी ट्रेन का कोई भी बॉगी इंजन से अलग हो जाता है तो ऐसे में पता चल जाता है और ट्रेन एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फैक्ट नंबर 2, गाइस आपने तो ऐसे बारकोड कहीं ना कहीं देखे होंगे। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे कि मोबाइल, टीवी, फैन, इस तरह की पैकेट में दिखाई देती है। इस तरह की बारकोड को स्कैन करने के लिए एक स्कैनर रहता है। आपको लगता होगा ये काला रंग का लंबी लाइंस को स्कैन किया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसे दूसरी लाइन के बीच में जो दूरी है उसे स्कैन किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, गाइस आपके घर का जो फ्रिज और मोबाइल है साल भर में कितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। घर में जो फ्रिज रहता है वो साल भर करीबन 200 से 250 यूनिट इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है। अगर मान के चलिए आपके शहर में इलेक्ट्रिक यूनिट 7 रुपया है तो उसी के हिसाब से होता है 1400 रुपये, और हमारी मोबाइल चार्ज होने में सिर्फ 2 यूनिट इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है, मतलब साल भर में सिर्फ 10 रुपये। गाइस आज का फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।